हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइवल ऑफ वेस्ट यानी कचरा का पुनरुद्धार। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको एक एलईडी ट्यूब रिपेयर करके दिखाएंगे, तो चलिए कैसे इसको रिपेयर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ऐसा दो एलईडी ट्यूब मेरे पास आया था रिपेयरिंग के लिए, दोनों हाई वोल्टेज से खराब हुआ था। तो अब मैं एक एलईडी ट्यूब को आप लोगों के सामने रिपेयर करके दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये 18 वाट का एलईडी ट्यूब है, तो मैं इसे अभी अपने सामने रिपेयर करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो फेक नहीं लगे इसलिए मैंने सबसे पहले एक एलईडी बल्ब को चला के दिखाया, अब एलईडी ट्यूब को चला के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी ट्यूब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको आप लोगों के सामने रिपेयर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से सेट का जो क्लिप है, एक क्लिप को मैं इस तरह से खोल दूंगा। और इसके बाद सर्किट को मैं धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसका जो फ्यूज़ और एमओबी है दोनों जल गया है, और ऐसा अक्सर हाई वोल्टेज की वजह से होता है। तो मैं आप लोगों के सामने इन दोनों पार्ट्स को चेंज करके एलईडी ट्यूब को जला के दिखाएंगे। इन दोनों पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक 18 वोल्ट का जो एलईडी ड्राइवर होता है वो पड़ा हुआ था, तो इससे मैं दोनों फ्यूज़ और एक एमओबी को निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दो फ्यूज़ यूज़ किया गया है वो 27 ओम और 8 वाट का है, और इस एलईडी ट्यूब में जो फ्यूज़ यूज़ किया गया है वो 33 ओम और 1 वाट का है। तो मैंने इस ड्राइवर से दोनों फ्यूज़ को एक साथ निकल के दोनों को एक साथ जोड़ के में लगा देंगे। फ्रेंड्स, इन दो फ्यूज़ को मैं एक साथ इस तरह से जोड़ लेंगे और जो कि सोल्डरिंग करके खराब फ्यूज़ की जगह में इसको रिप्लेस कर देंगे। और क्योंकि फ्रेंड्स दोनों फ्यूज़ को मैंने एक साथ जोड़ लिया है, तो इसलिए हैप्पी फिट करने के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए मैंने खराब फ्यूज़ का जो लेग है वो यहाँ पे रख देंगे और इस लेग के साथ दोनों फ्यूज़ को एक साथ जोड़ देंगे। में जला हुआ एमओबी को निकल के एक अच्छा एमओबी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, 18 वाट का एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूब का जो सर्किट है वो लगभग सेम ही है, सिर्फ बनावट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप लोग कोई भी पार्ट्स को आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों फ्यूज़ को एक साथ जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है। आप इस सर्किट को अंदर फिट करके दोबारा आप लोगों को चला के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसको चलाने के लिए हमने पहले जैसा तार को एक साथ जोड़ लेंगे और जो कि आप लोगों के सामने इसको चला के दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से जल रहा है और ये पहले जैसा ही रिप्लेस हो चुका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।